मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित होमगार्ड ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने एएसआई प्रदीप कुमार शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एएसआई शर्मा द्वारा सैनिक पंकज पवार से किट जमा करने व नामांकन रद्द करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस संबंध में लोकायुक्त डीएसपी जेपी वर्मा ने बताया कि होमगार्ड सैनिक पंकज पवार करीब 2 वर्ष से अपनी पदस्थापना पर उपस्थित नहीं रहा, जिसने करीब 3 माह पहले फिर से सर्विस ज्वाइन की थी। पंकज को किट जमा करने व नामांकन रद्द करने की धमकी देकर होमगार्ड ऑफिस में पदस्थ एएसआई प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। लगातार दी जा रही धमकियों से परेशान होकर सैनिक ने इस बात की शिकायत जबलपुर पहुंचकर लोकायुक्त एसपी संजय साहू को की। इसके बाद गुरुवार सैनिक पंकज छिंदवाड़ा स्थित होमगार्ड ऑफिस पहुंचा, जहां पर एएसआई प्रदीप कुमार शर्मा को जैसे ही 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई, तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर एएसआई प्रदीप कुमार शर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया। कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ पंकज पवार नगर सैनिक द्वारा दिनांक 17/6/2023 को पुलिस निरीक्षक श्री संजय साहू जी को एक शिकायत की गई थी। उसमें उसने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय में पदस्थ एएसआई प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हैं, उसकी किट जमा कराने और एसडीआरएफ में इसका सिलेक्शन हो जाने का नामांकन रद्द कराने की धमकी देकर 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत का सत्यापन पुलिस निरीक्षक महोदय छिंदवाड़ा टीम भेजकर आज दिनांक कराया गया और छिंदवाड़ा होमगार्ड कार्यालय के सामने परिसर में एएसआई प्रदीप शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।